समस्याएं को लेकर केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार जितना गंभीर है, उतना ही सरकारी अधिकारी गैर जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा मुजफ्फरनगर में स्थित एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी में उस समय देखने को मिला, जब मृतक गायें और बछड़ों के शवों को कुत्ते नोचते दिखाई दिए। स्थानीय निवासियों की माने तो गुड़ मंडी में आए दिन कोई ना कोई गाय व बछड़ों को छोड़ जाता है, जो यहाँ आवारा हालत में घूमते जरूर है, लेकिन उनकी सुध न तो कोई हिंदू संगठन ले रहा है और न ही गोरक्षा संगठन। वहीं प्रशासन भी इनकी उचित व्यवस्था के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है, जिसका नतीजा यह होता है कि आए दिन कोई ना कोई गाय या बछड़ा यहाँ मृतक पाया जाता है। ऐसा ही एक नज़ारा आज यहाँ उस समय देखने को मिला, जब अलग अलग स्थानों पर एक गाय दो बछड़ों के शवों को कुत्ते नोचते हुए दिखाई दिए। इस कारण जब बीजेपी के नगर विधायक कपिल देव अग्रवाल से बात की गई तो उन्हें तुरंत गोवंश को वहां से उठाकर उन्हें दफनाने के लिए नगर पालिका और मंडी प्रशासन से बात की। मेरा नाम डॉक्टर नेम चौधरी। एक गाय है जो हमारे सामने है और उसे कुत्ते बुरी तरीके से नोच के खा रहे हैं। इनका कोई किसी किस्म का कोई भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है और भूख की वजह से ही मर रहे हैं। तो कोई अधिकारी कोई देखभाल नहीं कर रहे, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं ध्यान रखा जा रहा ना। इन्हें कोई गौशाला में लेके जा रहे, वहाँ पे भी अगर लेके जावे तो इनको रसीद कटेगी, ये कटेगी। 150-200 गाय होंगी यहाँ तकरीबन वहाँ पे। हाँ, जो अगर लेके जावे पैसे ले वहाँ पे। देखो, गाय की या किसी भी पशु की या किसी की जीव की मौत होना स्वाभाविक है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन मेरे संज्ञान में आया, मुझे कहीं से फोन आया था, गाय के साथ उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद उसको कुछ जंतुओं ने उसको नोचने की कोशिश की। तुरंत ही मंडी सेक्रेटरी से हमने बात की, नगर पालिका में बात की है, उसको जेसीबी मशीन से उठवा करके तत्काल उसको दफनाने की व्यवस्था की जा रही है। और किसी भी प्रकार की इस प्रकार की जानकारी या शिकायत आती है तो तत्काल हम भी, हमारी टीम भी, हमारे विश्व हिंदू परिषद के लोग भी और अन्य बहुत सारे गौ सेवक यहाँ पर हैं, जो भले ही संगठन से ना जुड़े हों लेकिन गौ सेवा के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। यहाँ मंडी समिति में भी इस प्रकार के हमारे कई कार्यकर्ता हैं जो लगातार उनके चारे की, उनके रहने की, उनकी सर्दी की ये व्यवस्था भी करते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके संस्कार की व्यवस्था भी करते हैं और उसकी व्यवस्था हो रही है।